भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मैच शुरू होने से पहले एक बुरी खबर सामने आई है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते भारत और श्रीलंका के दूसरे T20 मैच को सस्पेंड करना पड़ा, जिसके बाद अब खिलाड़ियों का दोबारा से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर दोनों टीम्स के बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ नेगेटिव पाए जाते हैं तो यह मैच बुधवार को खेला जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर गई हुई है, जहां टीम श्रीलंका के साथ 3 मैच की ODI सीरीज खेल चुकी है, जिसमें भारत को 2-1 से जीत मिली थी और कुणाल पांड्या उस टीम का हिस्सा भी थे। ऐसे में अब खतरा पूरी टीम के लिए बन गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि कुणाल पांड्या के पॉजिटिव आने के बाद दोनों टीम को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट सामने आने तक यह आइसोलेशन जारी रहेगा। लेकिन सवाल तो ये खड़े होते हैं कि जब खिलाड़ी बायो बबल के अंदर थे तो कुणाल पांड्या कोरोना की चपेट में कैसे आ गए, या फिर बायो बबल किस तरह ब्रीच हुआ। और दूसरा सवाल ये है कि अगर खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव का इंग्लैंड दौरे पर जाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि BCCI ने अनाउंसमेंट की थी कि शुभमन गिल, आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर चोट लगने की वजह से इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं, जिसके लिए अब टीम मैनेजमेंट ने पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड दौरे में शामिल होने के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज को पोस्टपोन करना पड़ा था, क्योंकि श्रीलंकाई टीम के कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इस सीरीज की शुरुआत 19 जुलाई से हुई थी। और अब कुणाल पांड्या का पॉजिटिव पाया जाना दोनों टीम्स के लिए एक चिंता का कारण बन गया है। बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट आने के बाद ही यह फैसला होगा कि सीरीज जारी रहेगी या स्थगित होगी।